हेलो एवरीवन, सो आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोफिटिंग ऑफ कॉलम्स। रेट्रोफिटिंग मींस इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम्स। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रेट्रोफिटिंग ऑफ कॉलम्स में, जैसा उसका नाम बता रहा है कि हम किसी चीज़ को रीफिट करते हैं या फिर रीस्ट्रेंथन करते हैं। सो जो मेन प्रोसेस है कि रेट्रोफिटिंग ऑफ कॉलम्स में हम क्या करते हैं, उसमें एडिशनल मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स देते हैं। जो मेन बार्स होंगे वो वर्टिकल्स होंगे और जो मेन रिंग्स होंगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल होगी। सो जो मेन उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये हम करते हैं रेट्रोफिटिंग में कि हम कॉलम का साइज़ एनहेंस करते हैं। जैसे इसमें आपको शो हो रहा होगा कि हम कॉलम के साइज़ को 100 mm दोनों साइड एनहेंस कर रहे हैं। सो जो ओरिजिनल कॉलम का साइज़ था वो था 300 by 450। अब जो इसका रेट्रोफिटेड साइज़ होगा वो होगा, ऊपर का हो जाएगा आपका 500 एंड 450। सो अब एक चीज़ ये कि हम 100 mm ही क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, उसके दो रीज़न है। पहला तो इंडियन कोड कहता है कि आपको मिनिमम 100 mm का साइज़ एनहेंस करना है, और उसका रीज़न जो है वो ये है कि ताकि उसमें कंक्रीट पंप हो सके। जो आपको ये एरिया दिख रहा है, जब हम अगर आप इससे कम साइज रखोगे और उसमें कंक्रीटिंग करोगे इस एरिया में जो कि एनहेंस किया हुआ एरिया है, तो इसमें 95% चांसेस है कि आपकी कंक्रीट फ्लो नहीं करेगी अगर इसकी थिकनेस कम है तो। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? सो बेसिकली प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको मैं थ्योरेटिकली पहले समझा देता हूँ। देखिए ये इसका प्रोसेस होता है कि आपको सबसे पहले रिमूव ऑल द लूज कॉन्क्रीट फ्रॉम द मेंबर्स सो एज टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिटरेशन और डीबॉन्डिंग इशू। दैट एंटायर लूज पार्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्क्रीट शुड रिमूव अराउंड 40 to 50 mm फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ कॉलम। आफ्टर रिमूवल ऑफ द लूज कॉन्क्रीट द एंटायर कॉन्क्रीट सरफेस शुड बी वेट बाय स्प्रेइंग वाटर। देखिए सबसे पहले भी हमें एक स्टेप करना होता है, वो होता है सपोर्टिंग। आपको वर्टिकल मेंबर्स लगाने होते हैं जिसके थ्रू जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है कॉलम्स पे, जो बीम का लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, बीम के थ्रू जो कॉलम पे लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, सबसे पहले उस लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को आपको शिफ्ट करना होता है, जिसके लिए आपको प्रॉप्स लगाने होते हैं हर 1 meter सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। अब स्टील प्रॉप ये इस टाइप के आपने प्रॉप्स देखे होंगे जो स्लैब शटरिंग के टाइम यूज किए जाते हैं। इन्हीं प्रॉप्स को आपको बेसिकली बीम के बॉटम में लगाना है, सो दैट जो वो लोड ट्रांसफर कर रहे थे कॉलम पे वो सीधा लोड प्रॉप्स के थ्रू नीचे ट्रांसफर हो जाए ग्राउंड लेवल पे। बिकॉज जब हम उस कॉलम को डैमेज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब होगी। मे बी इन दैट केस अगर उसका साइज हम कम करेंगे, उसका कवर हम रिमूव करेंगे, तो कॉलम में स्ट्रक्चर फेलियर्स भी हो सकते हैं। तो उस प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पहले बीम्स एंड स्लैब्स को सपोर्ट कर देते हैं चिपिंग से पहले। सेकेंड प्रोसेस, जब उसको हम चिप करते हैं, उसका कवर जो 40 mm होता है यूजुअली कॉलम्स में, उसको हम रिमूव करते हैं ताकि कंक्रीट एक्सपोज हो जाए। रिमूव कर देंगे तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द लूज मास कंक्रीट फ्रॉम द सरफेस प्रिपरेशन द एग्जिस्टिंग रिइंफोर्समेंट इज एक्सपोज टू एनवायरमेंट विच टू बी ट्रीटेड विद एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट टू अवॉइड कोरोजन इन द स्टील। देखिए जब आप उसके कॉलम्स के कवर को रिमूव कर दोगे तो जो उसका रिइंफोर्समेंट है वो एनवायरमेंट से एक्सपोज हो जाएगा। नाउ अब जो एग्जिस्टिंग रस्टिंग होगी उसको तो आपको रिमूव कर देना होगा बाय वायर ब्रश या किसी भी रबिंग एक्शन से। आप उस पर एंटी रस्ट पेंट रिमूवल स्प्रे भी लगा सकते हो। आप कई सारे स्प्रेज आते हैं रस्ट रिमूवल के, आप रस्ट रिमूवल स्प्रे भी लगा सकते हो, बट उसके बाद आपको उसके ऊपर एंटी रस्ट पेंट लगाना होगा। एंटी रस्ट पेंट आपको किसी भी कंपनी का मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटी रस्ट पेंट, देखिए आपको एंटी रस्ट पेंट एशियन पेंट का भी मिल जाता है, बर्जर का भी मिल जाता है, और भी कई सारी फॉसरोक का है, BASF का है, और भी कई सारी कंपनीज है जिसमें जिसका आपको एंटी रस्ट पेंट मिल जाता है। तो आपको रिइंफोर्समेंट के ऊपर एंटी रस्ट पेंट को ले आउट कर ले डाउन कर देना है। एंटी रस्ट पेंट को
ले डाउन कर देना होगा, अप्लाई कर देना होगा रिइंफोर्समेंट के ऊपर। उसके बाद आपको वर्टिकल मेन बार्स को खड़ा करना होगा, जिसके लिए आप फाउंडेशन की डेप्थ तक जाओगे। एक सेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जो जैकेटिंग होती है या फिर स्ट्रेंथनिंग होती है वो आपको फाउंडेशन से करनी होती है। मिनिमम फाउंडेशन में आप 300 डेप्थ तक रीबार करके वर्टिकल बार्स को स्टैंड करोगे कॉलम्स के ऑल अराउंड एज पर डिज़ाइन। उससे पहले जो रीइंफोर्समेंट आपने एक्सपोज किया उस पर आप एंटी रस्ट पेंट लगा दोगे। अब इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि पहले तो एग्जिस्टिंग कवर रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद एंटी रस्ट पेंट अप्लाई कर दिया गया है और रीइंफोर्समेंट्स के बार को फिक्स कर दिया गया पोजीशन पे। अब ये जो बार्स है, ये जो हुक्स है, रिंग्स तो ये हो गई आपकी, ये स्ट्रेट स्ट्रेट ये रिंग्स है। इसमें बेसिकली दो सी शेप को लेके एक रिंग बनाई जाती है, बिकॉज आपका कॉलम पहले से एग्जिस्ट करता है, आप एक सर्कुलर या रेक्टेंगुलर रिंग नहीं बना सकते। तो दो यू शेप या सी शेप को लेके हम रिंग बनाते हैं। ये जो रिंग्स है, रिंग्स को अटैच करते हैं हम शेयर कनेक्टर से। अभी शेयर कनेक्टर से आपको बताऊँगा क्या होते हैं, तो पहले आप बस ये वीडियो देख लीजिए। इसमें आपको दिख रहा है कि हमने रीइंफोर्समेंट को लेआउट पूरा एज पर डिज़ाइन कर दिया है। लैपिंग जो ये लैपिंग जोन है, ये लैपिंग जोन हमेशा सेंटर ऑफ कॉलम में होना चाहिए, लैप हमेशा स्टैगर्ड होनी चाहिए। आपको इसमें दिख रहा होगा एक रीइंफोर्समेंट का लैप ऊपर है एक नीचे है, देन एक ऊपर है एक नीचे है। इसी तरीके से आपको रीइंफोर्समेंट लैपिंग करनी है। जो टॉप में जो है स्लैब के अंदर रीइंफोर्समेंट को रीबारिंग कर देनी है। देखिए इसमें आप वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले फाउंडेशन से हमने स्टार्ट किया, बीच में प्लिंथ बीम आई, प्लिंथ बीम में भी हमने नीचे से रीबार किया, देन ऊपर से स्टार्ट किया। अभी हम इस पर बॉन्डिंग एजेंट लगा रहे हैं। बॉन्डिंग एजेंट क्या होता है भी आपको बताऊंगा, बट अभी फिलहाल आप वीडियो में देख लीजिए कि इस टाइप का बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता है जो कॉन्क्रीटिंग से सिर्फ एक घंटे पहले अप्लाई किया जाता है। तो अब वापस थ्योरेटिकल पे आते हैं। देखिए उसके बाद बेस्ड ऑन द डिज़ाइन एस्पेक्ट एडिशनल रीइंफोर्समेंट इज एडेड टू द कॉन्क्रीट विद मेंटेनिंग ऑफ प्रॉपर अलाइनमेंट एंड कवर विद लैप लेंथ ऑफ 15 डायमीटर ऑफ बार इक्वल टू 1 मीटर। नाउ देन एंटी रस्ट ट्रीटमेंट जो आपको बताया था मैंने, उसके बाद द निट्टो बॉन्ड केमिकल इज अप्लाइड टू द ओल्ड कॉन्क्रीट टू प्रिपेयर बॉन्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कॉन्क्रीट प्लेस। देखिए जो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट है वो एक सेट हो चुका है, आप न्यू कॉन्क्रीट डालोगे तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग ज़रूरी है। कंपलसरी नहीं है कि आप ये निट्टो बॉन्ड केमिकल ही यूज़ कीजिए, ये प्रोडक्ट फॉसरॉक कंपनी का आता है, बट कई और भी प्रोडक्ट है, आपके SBR लेटेक्स भी आते हैं, और भी कंपनियों के बॉन्डिंग एजेंट्स आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको कोई ना कोई एक बॉन्डिंग एजेंट ज़रूर यूज़ करना है। नाउ आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ द टाइज एंड शेयर कनेक्टर्स, शेयर कनेक्टर्स में आपको बता देता हूँ जो हुक्स थे जो आपको वीडियो में दिखे होंगे। शेयर कनेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आपने ये रिंग है, ये रिंग आपने पूरी एक लेआउट कर दी दो यू शेप को, देन उसको एग्जिस्टिंग के साथ बॉन्डिंग करने के लिए एक आपको हुक प्रिपेयर करना होगा जो आपका कंक्रीट के अंदर जाएगा। जो डेप्थ होती है वो होती है मिनिमम 10 डायो बार, इतना वो अंदर जाता है, केमिकल एंकरिंग की जाती है एंड देन उसको रीइंफोर्समेंट के साथ बाइंड कर दिया जाता है। वो चीज़ को आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये जो हुक्स है, ये हुक्स शेयर कनेक्टर्स ही है, ये हुक शेयर कनेक्टर्स है जो एज पर डिज़ाइन लेआउट कर दिए गए हैं। ना उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, आफ्टर प्लेसिंग द शेयर कनेक्टर्स, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद द शटरिंग इज टू बी कैरिड आउट टू प्रोवाइड द डिज़ायर शेप एंड साइज ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर। देखिए एक बार आपका रीइंफोर्समेंट लेआउट हो गया, आपको उसके बाद करनी है उसमें कॉन्क्रीटिंग। इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं माइक्रो कॉन्क्रीट जो M40 ग्रेड का है। माइक्रो कॉन्क्रीट एक्चुअली सेल्फ कॉम्पैक्टिंग टाइप कॉन्क्रीट होते हैं जिसमें आपको वाइब्रेटर की ज़रूरत नहीं होती, इनके जो एग्रीगेट्स होते हैं 2 से 3 mm के होते हैं। तो हमने जो रीइंफोर्समेंट हमने लेआउट किया था, कवर लगा के, कवर ब्लॉक्स लगा के, हमने पैरी फैरी पे शटरिंग्स लगा दी है ताकि हम इसमें कंक्रीट पोर कर सकें, और शटरिंग्स को प्रॉपरली नीचे आप देख सकते हो, यहाँ इस नीचे बॉटम में आप देख सकते हो प्रॉपरली टाइट कर दिया है, बिकॉज जो माइक्रो कंक्रीट का प्रेशर काफ़ी होता है और उस प्रेशर की वजह से कंक्रीट ओपन ना हो जाए।
नाउ अब थर्ड, उसके बाद क्या स्टेप, वंस वंस द पोरिंग डन आफ्टर द पीरियड इट शुड बी डी शटर द जॉइंट ऑफ द शटरिंग अकर इन द कॉलम इट शुड बी फिल्ड विद द सीमेंट मोटार। देखिए जितने भी जॉइंट्स हैं उनको आपको मोटार से फिल कर देना है। फॉर इम्पैक्टिंग ड्यूरेबिलिटी वाटर शुड बी प्रॉपरली क्योर टू कास्टिंग सरफेस इट डैट इट शुड अचीव स्ट्रेंथ एट सूटेबल इंटरवल क्योरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर टू बी डन। ठीक है, आपने कॉन्क्रीटिंग शटरिंग लगाई, उसमें कॉन्क्रीटिंग कर दी, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आप 24 घंटे मिनिमम 24 घंटे बाद आपको शटरिंग खोलनी है। और ये आप कॉन्क्रीटिंग एक टाइम पर मैक्सिमम 3 मीटर हाइट की कर सकते हो यूजिंग माइक्रो कॉन्क्रीट। अगर आप नॉर्मल कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम 1 मीटर की आपको फिलिंग करनी है। 24 घंटे के बाद आपने शटरिंग निकाल दी, आपको गनी बैग्स लगा के क्योरिंग करनी है जो कि मिनिमम 7 to 10 days होगी, एंड उसके बाद उसको हम 14-15 days में इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट 10 days से कम नहीं होनी चाहिए। बट फॉर माइक्रो कॉन्क्रीट मिनिमम 7 days में हमारी स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी। सो ये प्रोसेस होता है रेट्रोफिटिंग का। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।